अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बेबी रैशनल क्रीम की 4 होममेड रेमेडी शेयर करूंगी। इसे आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी क्रीम सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है और किस चीज़ कौन सी क्रीम से आपकी बेबी को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। चलें हम चलते हैं रेमेडी की तरफ। ये बहुत आजमूदा क्रीम है, इसे आप बनाइएगा और बच्चों के रैश पर लगाइएगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कितनी जल्दी इससे फ़ायदा होता है। उसके लिए मैंने ये मस्टर्ड ऑयल लिया है, 2 चम्मच मैं मस्टर्ड ऑयल लूँगी। पानी है 1 चम्मच मैं पानी लूँगी। आप इसको चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे हमें इतनी देर तक मिक्स करना है ताकि इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। चम्मच से भी आप मिक्स कर सकते हैं और उंगली से भी कर सकते हैं। इसका देखें एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। इसका कलर देखें लाइट हो गया है थोड़ा सा, पहले ये बहुत डार्क था और ये लाइट कलर का हो गया है। ये रैशनल क्रीम हमारी तैयार है, इसे आप अपने बच्चों के रैश पे लगाइएगा। ये बहुत ही आजमूदा है और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके बच्चों को इससे कितना फ़ायदा हुआ है। यह हमारी पहली रेमेडी तैयार हो गई है। अब मैं आपके साथ दूसरी रेमेडी शेयर करती हूँ। अब मैं आपके साथ रैशनल क्रीम की दूसरी रेमेडी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 चम्मच टैल्कम पाउडर लिया है। ये टैल्कम पाउडर है, आप किसी भी कंपनी का टैल्कम पाउडर ले सकते हैं। बस एक चीज़ की एहतियात करिएगा कि आपको प्रिकली हीट पाउडर नहीं इस्तेमाल करना है, जो बिल्कुल सादा टैल्कम पाउडर होता है वो इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप बेबी टैल्कम पाउडर भी ले सकते हैं या कोई सा भी टैल्कम पाउडर ले सकते हैं। मैंने ये वाला टैल्कम पाउडर लिया है, ये मैंने 1 चम्मच लिया है। 1 चम्मच घी लिया है मैंने, आप देसी घी भी ले सकते हैं। ये मैंने आम नॉर्मल जो वनस्पति घी होता है वो लिया है। और ये बर्फ़ की एक क्यूब लिए, ये इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। ये क्रीम भी बहुत आजमूदा है। मैं आपको 3-4 रेमेडीज बताऊँगी और चारों ही बहुत आजमूदा हैं, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल है वो आप बना लें उस चीज़ से। हर घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और आसानी से ये क्रीम बन जाती है। आप इसे थोड़ा ही थोड़ा बनाएं, जब ख़त्म हो जाए दोबारा बना लें। अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे आप आसानी के साथ बना सकते हैं, इससे आपके बच्चे के रैश बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इससे इसका इतना सारी एक जगह पे इकट्ठे हो गई है। यह हमारी क्रीम तैयार हो गई है, इसे आप किसी बर्तन में निकाल लें। ये हमारी दूसरी रैशनल क्रीम भी तैयार हो गई है, बच्चे के रैश पे लगाइएगा। इंशाल्लाह ये किसी चीज़ से भी फ़ायदा नहीं हो रहा होगा तो इससे ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपके साथ नैपी रैशनल क्रीम की तीसरी रेमेडी शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया है, ये 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। उसके अंदर मैं ये कोकोनट ऑयल डालूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा कट कर डालूँगी, जितनी मुझे ज़रूरत होगी मुझे इतना ही डालना है। मुझे इसको पेस्ट जैसा बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके ऑयल मिलाएं। इसे भी बना के आप छोटे जार में करके रख दें।
यह हमारी क्रीम तैयार हो गई है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके कोकोनट आयल मिलाया है, जितनी हमें गाढ़ी रखनी है, ताकि हमारा इसका अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन जाए। यह हमारी रेशनल क्रीम तैयार हो गई है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मेरी चौथी रेमेडी है रैश के लिए, ये सिंपल कॉर्नफ्लोर है। जहाँ जहाँ पे रैश है बच्चों को, वहाँ पे आप इसको पाउडर की तरह ही पूरा सूखा लगा दें, तो इससे बहुत जल्दी बच्चों को आराम आ जाता है, और जो बच्चों को रैश में जलन हो रही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है फ़ौरन, और बच्चे सुकून में आ जाते हैं। तो इसे भी आप ट्राई करके देखिएगा। ये मेरी चार रेमेडीज़ हैं, इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनमें से जिससे भी आपको ज़्यादा फ़ायदा हो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी क्रीम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ आपके बच्चे को। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।